आप सभी देख रहे हैं VMR भारत टीवी। मैं हूं हिमांशी रानावत और आज की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। भीलवाड़ा में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आज दोपहर जिले के धार्मिक स्थल तिलस्वा महादेव मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पहुंची, जहां इंद्रपुरा हेलीपैड पर पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद बीडी कल्ला का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सड़क मार्ग से तिलस्वा महादेव विश्राम गृह में पहुंची, जहां मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर और सचिव मांगीलाल धाकड़ के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहां कुछ देर विश्राम के बाद श्री तिलस्वा महादेव मंदिर में अभिषेक के लिए पहुंची। लगभग 3 घंटे के प्रवास के दौरान वह तिलस्वा महादेव मंदिर में अनुष्ठान में शामिल हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। पूर्व राष्ट्रपति के लिए निर्धारित रास्ते पर आने जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुख्य मंदिर में सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। एडिशनल SP डॉक्टर राजेश भारद्वाज के नेतृत्व सुरक्षा मोर्चा संभाला गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्राचीन शिव मंदिर में अभिषेक किया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर और सचिव मांगीलाल धाकड़ के सानिध्य में महंत गोपाल लाल पाराशर के साथ 11 पंडितों ने रुद्रा अभिषेक करवाया। देश में खुशहाली और निरोग रखने की कामना की गई। अभिषेक करीब आधे घंटे चला। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति द्वारा मंदिर परिसर की एक बार परिक्रमा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोका गया। दोपहर 12 बजे बाद मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोका गया। उधर दोपहर 3 बजे बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दर्शन की अनुमति दी गई। मंदिर में बड़ी संख्याओं में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। इस दौरान प्रतिभा पाटिल ने सभी श्रद्धालुओं को हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सभी कार्यक्रमों से निपटने के बाद मंदिर परिसर में बने विश्राम स्थल पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व जिला प्रमुख कन्हैया लाल धाकड़, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनीता सुराना, जिला सचिव मुनीर लोहार, नगर रसीद आसाम, जिला महामंत्री सरिता चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अभिनंदन किया। जैसे कि आज ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी जिसे कुष्ठ रोग के निदानों के लिए जाना जाता है, जो अपने चमत्कार के लिए जानी जाती है, उस नगरी के दर्शन के लिए आज पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तिलस्वा महादेव पहुंची। आज दिन में 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर इंद्रपुरा हेलीपैड पर लैंड हुआ और वहां से जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और वहां से उनका काफिला सड़क मार्ग से होते हुए दिन में 12:30 बजे तिलस्वा महादेव पहुंचा। तिलस्वा महादेव पहुंचने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रदीप पाटिल ने विश्राम गृह में विश्राम किया, स्नान किया। उसके बाद वो मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक के लिए पहुंची, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रुद्राभिषेक किया, जहां 11 पंडितों और मंदिर के ट्रस्टियों के साथ उन्होंने रुद्राभिषेक किया। इसके बाद वो रुद्राभिषेक करके बाहर निकली तो उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे, तो उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनसे नमस्कार किया। साथ ही मंदिर के बारे में उन्होंने जाना, कुंड के बारे में जाना, कुंड के पानी के चमत्कार के बारे में जाना, यहाँ की जो पवित्र केसर घर है उसके बारे में जाना। और साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने मंदिर में लगाई नव निर्मित कंपोज मशीन, जिससे कि खाद यूरिया बनता है, उसका भी उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने भोजन किया और आज शाम को 5:30 बजे करीब वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली रवाना हुई। कैमरामैन शायद के